आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की। तो MP छत्तीसगढ़ समेत देश के इन चार राज्यों में आज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। गुजरात समेत 8 राज्यों में चलेगी लू। देश के 14 राज्यों में जो है रविवार से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है। वही MP के सिगरौली, सागर और देवरी और नर्मदापुरम और बेनखेड़ी सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि यहां पर हुई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वही केरल, तेलंगाना और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वही गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी में लू के आसार है। इन राज्यों का मौजूदा तापमान जो है 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा तापमान जो है कल 44.5 डिग्री सेल्सियस जो है आंध्र प्रदेश के नडियाद इलाके में रिकॉर्ड किया गया, यानी नंदयाल इलाके में ये रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र में कई इलाकों में जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा यहां पर 12 तारीख तक जो है केरल और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बारिश हो सकती है। वह उत्तर भारत में सप्ते जो दो पश्चिमी विक्षोभ टकराने वाले हैं, जिससे उत्तर भारत का तापमान एक बार फिर से जो है उसमें बदलाव होगा। वही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है 13 तारीख तक कई इलाकों में जो है बारिश होने के आसार है। पहला पश्चिमी विक्षोभ जो है आज आया है और दूसरा जो है 13 तारीख को एक्टिव होगा। वही मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में जो है 13 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। वही पंजाब और चंडीगढ़ में भी 13 तारीख तक बारिश हो सकती है। फिलहाल कुछ दिन पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम जो है कुछ तमाम रहेगा, गर्मी जो है पड़ेगी। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं MP के मौसम की। तो MP में सागर, नर्मदापुरम, सिगरौली में बारिश के साथ ओलावृष्टि, भोपाल, रायसेन और विदिशा में हुई है बारिश। MP में फिर से ओलावृष्टि और बारिश का दौर जो है शुरू हो गया है। सागर और नर्मदापुरम में कल दोपहर 2 बजे बाद जो है मौसम बदल गया। सिगरौली, सागर और घर झुमर, दिवरी और नर्मदापुरम, बेनखेड़ी सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। भोपाल में सुबह सुबह बादल छाए रहे, दोपहर में बारिश हुई और रायसेन, सीहोर, विदिशा में बारिश हुई। मौसम विभाग के अंदर भोपाल के वैज्ञानिक जो है डॉक्टर वेद प्रकाश, उनके मुताबिक अगले चार दिन तक यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में बारिश होगी, यहाँ पर चेतावनी दी है आज से अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार है। बात करते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में भी जो है 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पटना, गया समेत कई जगहों पर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं, यानी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। दरअसल बिहार में अब गर्मी ने लोगों को जो है परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान 40 के करीब पहुंच गया है। आज और कल 2 दिन पटना समेत 14 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। बात करते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में रांची समेत कई जिलों में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। वही अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी हुआ। दरअसल झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। कल देर रात जो है रांची समेत कई हिस्सों में बारिश हुई। आज भी कुछ इलाकों में बारिश और बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक आज भी बारिश के आसार है। ज्यादा इलाकों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है कई इलाकों में चेतावनी दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर में बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 2 दिन तक बारिश होने के आसार है। अगले 2-3 दिन तक रायपुर, बिलासपुर और इसके अलावा दुर्ग, बस्तर, सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही कल भी रायपुर, गरियाबंद यानी गरियाबंद समेत कई इलाकों में जो है तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बात हिमाचल प्रदेश के मौसम की करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना जो है जताई गई है। हल्की मध्यम बारिश जो है होगी। वही नया पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होगा, इसके कारण अगले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। 12 तारीख तक जो है ज्यादा इलाकों में बारिश हो सकती है। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। तो 22 तारीख तक बारिश की लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के अंदर जो कुछ इलाकों में आज बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान रात का तापमान जो है उसमें हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। 12 तारीख के बाद पश्चिमी विक्षोभ एक और एक्टिव होने जा रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
वही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी ओलावृष्टि होने के आसार जताए गए। हरियाणा में दिन और रात के तापमान अभी जो है 24.1 डिग्री का अंतर में बना हुआ है। पिछले 10 दिनों में सुबह के अधिकतम इलाकों में तापमान 37 और न्यूनतम 13 के आसपास रहा। वही मौसम विभाग के जो डीजी जो है मृत्युंजय महापात्रा, उनका कहना है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। वही मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि आने वाले सालों में पूर्वानुमान में सुधार के लिए अन्य क्षेत्रों में विस्तार भी जो है वो किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहां से रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी वगैरह सबसे पहले आपको मिलती रहे।